प्रेजेंटिंग अरीना स्क्वायर बाय एम्पायर अरीना। इस प्रोजेक्ट को डिजाइन किया है इंटरनेशनल आर्किटेक्ट हफीज कॉन्ट्रैक्टर ने। ये एक रेसिडेंशियल प्लस कमर्शियल प्रोजेक्ट है जिसमें आपको मिलता है सेपरेट कमर्शियल स्पेस फॉर योर शॉप्स एंड ऑफिसेस। इसी के साथ आपको मिलता है 1, 2 and 3 BHK के लग्जरियस रेसिडेंशियल अपार्टमेंट। इस प्रोजेक्ट की एमिनिटीज में आपको मिलता है स्विमिंग पूल, क्लब हाउस, गार्डन, इंडोर आउटडोर गेम, मल्टीपर्पज हॉल, साथ ही साथ और भी बहुत कुछ। इतना ही नहीं, इंटरनेशनल स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल, रेलवे स्टेशन, ये सब सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 मिनट के फासले पे। सो क्यों रहना ऑर्डिनरी जब मिल रहा है लग्जरी। डू कॉन्टेक्ट फॉर मोर डिटेल्स www.arenasquare.in। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुमरा बाईपास पर आज दोपहर के वक्त एक भयानक हादसा हुआ था और इस हादसे के बाद यहां पर विधायक जितेंद्र आभार भी पहुंचे। मेडफोर्ड हॉस्पिटल पहुंचकर आईसीयू में भर्ती घायल हुए जाहिद रफीक खान 18 साल, भोलेनाथ सिंह 35 साल, जाहिद अंसारी उम्र 35 साल और इनके परिवार के साथ साथ ही मृतक लाल अहमद सैयद जिलानी उम्र 70 साल इनके परिवार वालों से मिलकर मुलाकात की, बातचीत की। साथ ही जहां पर हादसा हुआ था वहां का भी विधायक जितेंद्र भाड़ ने जायज़ा लिया और कहा कि ये सारी लापरवाही MMRDA और कॉन्ट्रैक्टर की है जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। कई सालों से मुमरा बाईपास का मरम्मत कार्य हुआ, ओपनिंग होती है मगर सुरक्षा दीवार नहीं बनाई गई। अगर बाईपास पर सुरक्षा व्यवस्था नहीं है तो कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों पर FIR दर्ज होनी चाहिए। अगर नहीं दर्ज हुआ तो मुमरा पुलिस स्टेशन और मुमरा बाईपास का घेराव करेंगे। साथ ही विधायक जितेंद्र भाड़ ने मृतक के परिवार को 1,00,000 रुपये मुआवजा देने की बात कही है। इसके अलावा जो घायल हुए हैं उन घायलों का भी इलाज का खर्च उठाने की बात कही है। विधायक जितेंद्र भाट मुमरा बाईपास पर हादसे के बाद पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत में कहा है आपको सुनाते हैं। शेडर का परिसर में एक दुर्घटना हुई है, इसमें एक की मौत हो गई है और 3 जन गंभीर रूप से घायल है, तो आप दौरा किए हैं, क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? नहीं, ये हादसा जो हुआ है उसके लिए MMRDA और यहाँ का कॉन्ट्रेक्टर जिम्मेदार है। ये ब्रिज का ओपनिंग करके साल भर हो गया, ब्रिज पूरा नहीं किया। अच्छा, ये जो खुला आंगन दिख रहा है उसके ऊपर दीवार खड़ी करनी चाहिए थी ताकि कोई नीचे नहीं आए, वो खड़ी नहीं की। इधर एक प्रिकॉशनरी वॉल चाहिए थी, लोगों ने बार बार बोला इसके बारे में, MMRDA ने कुछ ध्यान नहीं दिया। ये बना है तो मेरा क्या गए शब्बीर भाई, ये रास्ता भी जो दोनों बने ना वो हमारे लगातार उनके पीछे लगने के बाद हुए है। जो सर्विस रोड है ना वो लगातार मैं उनके पीछे लगा तब बनाया हूँ, पर ये जिम्मेदारी है कॉन्ट्रैक्टर की। मुझे लगता है कि कॉन्ट्रैक्टर और MMRDA के अधिकारियों पे तुरंत गुना दाखिल होना चाहिए। अगर गुना दाखिल नहीं हुआ तो आने वाले हफ्ते भर में ये पूरा हाईवे बंद कर देंगे। आप किस तरीके से कार्रवाई करेंगे कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ? मैं क्यों करूं? पुलिस का काम है। और अगर नहीं, हादसा हुआ है, हादसा एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट, वो ठीक है, जिम्मेदार कौन है? लापरवाही नहीं है क्या? पुलिस किसी को बचाने को देख रही है क्या? इतना बड़ा हादसा हुआ, इसकी गलती MMRDA और कॉन्ट्रैक्टर को वक्त रहता ना, इस वक्त में ये ब्रिज कंप्लीट करो, क्यों नहीं किया? गुना तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा, नहीं किया तो पुलिस स्टेशन को घेराव डाल देंगे। मैं 1,00,000 रुपये मृत व्यक्तिला देतो स्वतः, आणि बाकी जे उपचार करतायत त्यांच्या उपचाराचा खर्चही केला जाईल।